आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही कमर कस चुकी हैं। पार्टी की मजबूती और लोगों के विश्वास को जीतने के लिए सभी पार्टियों के लोग अलग अलग तरीके से दांवपेच का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं लोगों का विश्वास जीतने के लिए समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। प्रदेश में पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल कर सकें इसके लिए समाजवादी पार्टी द्वारा 6 अगस्त को आजमगढ़ से साइकिल यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न जिलों से होते हुए शनिवार को गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर पहुंचने पर साइकिल यात्रा का सम्मान समारोह गोरखपुर सपाइयों द्वारा शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय रोड स्थित एक क्लब में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, विधान परिषद सदस्य संतोष यादव, जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम, पूर्व विधायक शारदा देवी, पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रबलि यादव, पूर्व विधायक राजमंत्री निषाद सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण कर किया गया, जिसके पश्चात उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने साइकिल यात्रा में शामिल लगभग 150 सपाइयों को अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पार्टी की मजबूती और आगामी लोकसभा चुनाव में भारी सीट जीत हासिल करने की बात कही। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की जुमलेबाजी को अब हम जनता पहचान चुकी है, जिसे जड़ से समाप्त करने के लिए पार्टी द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी हैं, जिन्होंने देश में पड़ोस में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं, और वो सरकार जो अधिनायवादी व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए जन जागरण कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या लक्ष्य बनाया है आपको? अब हमारा तो लक्ष्य है, अब लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यह है कि आपकी मोदी सरकार को हम लोग हटा दें। गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा? अब ये तो नेतृत्व तय करेगा।